IOC ke President, Mr. Thomas Bach, IOC ke sammanit sadasya, sabhi International Sports Federations, Bharat ke National Federations ke sabhi representatives, devi aur sajjano, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का इस विशेष आयोजन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का ये 141वां सेशन भारत में होना बहुत ही खास है। 40 साल बाद भारत में आईओसी का सेशन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। फ्रेंड्स, अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं, और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो, या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है। हमारे यहां हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में 64 विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है। इनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी, जैसे हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग, ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था। आर्चरी यानी धनुर्विद्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी। इस संहिता में एक जगह कहा गया है, धनुष चक्रंच कुतंच खड़गंच छुरी का गदा सप्तमं बाहु युद्धम शादेवम युद्धानि सप्तदा, यानी धनुर्विद्या से जुड़ी सात प्रकार की स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें धनुष्बाण, चक्र, भाला यानी आज का जैवलिन थ्रो, तलवारबाजी, डैगर, गदा और कुश्ती शामिल है।
साथियों, स्पोर्ट्स की इस हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी के अनेक साइंटिफिक एविडेंस है। जहां मुंबई में अभी हम है, वहां से करीब 900 किलोमीटर दूर कच्छ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धोलावीरा। धोलावीरा 5000 साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था। इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है। खुदाई के दौरान यहां दो स्टेडियम सामने आए हैं। इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 5000 साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। भारत की एक और एंशियंट साइट राखीगढ़ी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है। भारत की ये विरासत पूरे विश्व की विरासत है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता, स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है, स्पिरिट यूनिवर्सल है। स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है। रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े, पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है। इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण है। हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये भारत में बदलते और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है।
हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए। हमने फुटबॉल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की। भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक का भी आयोजन करता है। इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है। उत्साह के इस माहौल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश की है। हमें उम्मीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा। साथियों, ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। इसलिए स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है।
मैं ओलंपिक्स के मोटो को फिर आपके सामने दोहराऊंगा, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। आईओसी के 141वें सेशन में आए सभी अतिथियों का, अध्यक्ष थॉमस बाग का और सभी डेलीगेट्स का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। आने वाले कुछ घंटों में आपको अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। आई नाउ डिक्लेयर दिस सेशन ओपन।